नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब देते हैं खबरों को विस्तार। छात्र के अपहरण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरा रघुवंशी समाज। गंज बासोदा से ये खबर हमारे पास आ रही है। 21 अक्टूबर को छात्र संजय रघुवंशी का लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से शहर के बदमाश और अन्य साथियों द्वारा बलपूर्वक अपहरण किया गया था एवं सिटी सेंटर ले जाकर उनको बंधक बनाकर मारपीट की गई थी, जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा छात्र को छुड़ाकर थाने लाया गया। छात्र की रिपोर्ट पर अपहरण का मामला दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई। रघुवंशी समाज के युवाओं पर झूठा वलवा का केस उल्टा दर्ज कर दिया गया। हजारों की संख्या में रघुवंशी समाज आज सड़कों पर उतरा और गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। धमक देने का अपराध किया है उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध तत्काल सीसीटीवी कैमरे के फुटेज अनुसार बलवा जान से मारने की धमकी, गंभीर चोटें एवं सार्वजनिक रूप से शांति भंग करने की धारा में अपराध पंजीकृत किया जाए एवं संजय रघुवंशी व उसके परिवारजनों, रिश्तेदारों व साथियों पर दर्ज फर्जी FIR वापस ली जाकर खात्मा लगा दी जावे। यह की घटनाएं करीब 6 दिन होने के बाद भी पुलिस थाना बासदा द्वारा ना तो अपहरण के प्रकरण में किसी प्रकार की अपराधी की गिरफ्तारी हुई, ना ही अपराध में संलिप्त वाहन बुलेरों को जब्त किया। प्रमुखता से क्या क्या मांग रही और क्या घटनाक्रम को लेकर ज्ञापन दिया है? नहीं, ये एक घटना हुई थी, प्रशासन पुलिस ने पक्षपात किया, एक पक्ष पर कार्रवाई करना थी वो नहीं करती। हमारे अभी जो नाम बताया वो लोग थाने में 1 घंटे से बैठे हुए थे, अभी फरियाद ले गए थे, उनका बच्चा का अपहरण हुआ था और उन्हीं के खिलाफ बलवा का मुकदमा कायम कर दिया। ये कौन सा न्याय? इस अन्याय के खिलाफ आज ज्ञापन देने के लिए सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिए गए? हमने कहा हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मुख्य रूप से आंदोलन जन आंदोलन करेंगे। ठीक है। गंज बासोदा से इंडिया खबर लाइव के लिए सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट।